Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Priya Dogra and we are back again with another video. आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ ब्रिटिश काउंसिल और टाटा TCS की तरफ से कोलैबोरेशन में आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, जिसमें आपको मिल सकता है ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेशन. और ये अपॉर्चुनिटी आपको कोलैबोरेशन में टाटा TCS और ब्रिटिश काउंसिल दोनों की तरफ से दी जा रही है. इस कोलैबोरेशन में बेसिकली आपके पास बहुत अच्छा मौका है, बिकॉज एक नेशनल लेवल का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है. जैसे ब्रिटिश काउंसिल के आप सर्टिफिकेशन लेते हैं, वही सर्टिफिकेशन आपको टाटा TCS और ब्रिटिश काउंसिल दोनों की कोलैबोरेशन में मिल रही है. सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास. बहुत ही कम आपके पास टाइम में आप बहुत अच्छी अचीवमेंट कर सकते हैं यहाँ पे. इफ़ यू गाइज आर लुकिंग फॉर अ गुड इंग्लिश सर्टिफिकेशन, जैसे कि मुझे पहले भी कुछ टाइम पहले किसी वीडियो पे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि ब्रिटिश काउंसिल की सर्टिफिकेशन आप हमें प्रोवाइड करके दीजिए, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने की थी तो बहुत ज़्यादा लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया था. सो सिमिलर वे में इस वाली सर्टिफिकेशन में भी आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप अप्लाई कर सकते हैं. मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. सो मैं आपको ये बोलूँगी कि वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा. कोई भी डाउट रहता है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को. बट एक आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. वीडियो पसंद आती है इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें. चलते हैं मेन प्लेटफॉर्म की तरफ. हमारे जो आज का मेन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है टाटा TCS आयन का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप जैसे ही विजिट करेंगे, इसका लिंक मैं आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर ड्रॉप कर दूंगी, जैसे आप यहाँ पर विजिट करेंगे सबसे पहले आपके पास इसी की डिटेल्स आने वाली है. टाटा TCS ने पार्टनरशिप में ब्रिटिश काउंसिल के साथ TCS आयन नेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट लॉन्च कर दिया गया है, जिसे बोलते हैं TCS आयन NPT. और इसके अंदर आप इंग्लिश की सर्टिफिकेशन ले सकते हैं. ये एक इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन रहेगी. सो आपके पास बहुत अच्छा मौका है. आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है. अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, इसके बारे में सारी डिटेल्स आ जाएगी. सो मैं ये बता दूँ पहले कि ये वाली अपॉर्चुनिटी फ्री नहीं है. जी हाँ बिल्कुल, ये वाली अपॉर्चुनिटी फ्री नहीं है, बट ये अच्छे डिस्काउंट पे आपको मिल रही है. 2500 की ये सर्टिफिकेशन थी, जो अब आपको 1999 में मिल रही है. सो आप देख सकते हैं, यू कैन सर्टिफाई योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स विद द कोलैबोरेशन ऑफ टाटा TCS एंड ब्रिटिश काउंसिल. यहाँ पे आपके पास पूरी गाइडलाइन, सारी डिटेल्स आपको दी गई है. सो इनका नेक्स्ट टेस्ट जो होने वाला है, वो होने वाला है 6 नवंबर को. और इनकी 6 नवंबर की जो डेट है, उसकी एप्लीकेशंस क्लोज हो जाएंगी 24 अक्टूबर को. ये थोड़े थोड़े दिनों में, 2 to 4 weeks में ये सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम होता रहता है इनकी तरफ से. सो आपके पास बहुत अच्छा मौका है. अगर आप इस बार वाला मिस, मैं तो ये बोलूँगी कि आप ना ही कीजिए, बट इन केस अगर मिस हो भी जाता है तो 2 to 4 weeks में आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं. अपकमिंग इनका जो नेक्स्ट डेट होने वाली है एग्ज़ाम की, वो है 21st of December 2024. सो यू गाइज कैन सी एप्लीकेशंस ओपन हैं अभी, और ये एप्लीकेशंस क्लोज कर देते हैं अराउंड अबाउट 10 days पहले. जब भी एग्ज़ाम होगा तो उसे 10 days पहले ये एप्लीकेशन क्लोज कर देते हैं. सो मेक श्योर कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अप्लाई कर लें. हम एप्लीकेशन की गाइडलाइंस थोड़ी देर बाद देखेंगे, उससे पहले मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे इनकी डिटेल्स के बारे में बता दूं. इंग्लिश सर्टिफिकेशन आपको ग्लोबल लीडर्स की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है. सो आप देख सकते हैं, TCS आयन का एक नेशनल लेवल का प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जिसमें आप इंग्लिश सीख सकते हैं और सर्टिफाई भी हो सकते हैं. और ये टेस्ट पूरा डिज़ाइन किया गया है ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से. ये किन लोगों के काम आएगा, मैं पहले बता दूँ, ये उन लोगों का काम आएगा जो कि जॉब्स ढूंढ रहे हैं और जिन्होंने अच्छी MNCs में काम करना है. तो आपके लिए ये सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स इज मस्ट. अगर आप कहीं पे भी चले जाएं, आप नॉर्मल कंपनीज में काम करते हैं, आप MNCs में काम करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके अंदर होनी ही चाहिए. सो आप देख सकते हैं, इस टेस्ट को बड़े अच्छे से डिज़ाइन किया गया है ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से, जिसमें टेस्ट को आप 2 parts में डिवाइड किया गया है. एक है स्पीकिंग, एक है राइटिंग स्किल्स. दोनों की टेस्ट हो जाएगा यहाँ पे. इसके अलावा ये बोला गया है कि ये जो टेस्ट है यहाँ पे, ये किस लेवल का बनाया गया है, CEFR लेवल्स का बनाया गया है यहाँ पे, जिसमें 48 minutes का ऑनलाइन इन सेंटर असेसमेंट होगी. ये इन सेंटर होगी, ऑनलाइन नहीं होगी, ये मैं पहले बता देती हूँ आपको. तो 48 मिनट्स की आपके पास इन सेंटर
असेसमेंट होने वाली है जिसमें अगर आपका रिस्पांस अच्छा आता है तो आपको सर्टिफिकेशन यहाँ पे दोनों की कोलैबोरेशन मिलेगी, टाटा का भी होगा और ब्रिटिश काउंसिल के भी होगी। सो टेस्ट के बारे में यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है कि नेशनल लेवल का ये असेसमेंट होने वाला है जिसमें सारे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, जॉब सीकर्स हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब अप्लाई कर देंगे, टेस्ट हो जाएगा तो आपको सर्टिफाई भी किया जाएगा, जो कि यहाँ की बेस्ट बात है। एक बार सर्टिफिकेशन ले ली, 2 ईयर्स तक ये बिल्कुल वैलिड रहने वाला है। अब टेस्ट का ये भी बोला गया है कि कैंडिडेट्स जो भी अपेयर करेंगे इस टेस्ट के लिए, वो इन सेंटर TCSIM के ऑथराइज एग्जाम सेंटर्स में जाके इस टेस्ट को देंगे। इस टेस्ट को देने के लिए आप 2 to 4 वीक्स के बाद फिर से दे सकते हैं, मतलब इस बार अगर आपने नहीं दिया तो 2 to 4 वीक्स में ये रिपीट होता रहता है। इसके बाद ये बोला गया है कि कैंडिडेट्स के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको। अगर आप स्टूडेंट हैं, प्री फाइनल फाइनल ईयर में है, या वर्किंग प्रोफेशनल है, फ्रेशर्स है, 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, जाइए अप्लाई कर दीजिए। एस्पायरिंग वर्क जॉब सीकर्स जो कि अच्छे कम्युनिकेशन सेक्टर में काम करना चाहते हैं, जैसे BPO हो गया, कोई भी IT एजुकेशन रिलेटेड हो गई, मीडिया रिलेटेड हो गए, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड हो गई, जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट में। टेस्ट में क्या क्या होगा? स्पीकिंग टेस्ट में आपके 2 टास्क होंगे, राइटिंग में भी 2 टास्क होंगे, तो दोनों को मिला के टोटल 48 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। एक सैम्पल टेस्ट भी है, वो मैं बताऊँगी आपको, मैंने कहा यहाँ पर कम्प्लीट किया है। इसके बाद यहाँ पे जर्नी बताई गई है कि आप अपनी जर्नी तक कैसे पहुँच सकते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए आप, उसके बाद NPT का जो वेरिएंट है उसे बाय कर सकते हैं, अपनी डिजिटल प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, टेस्ट को दे सकते हैं, सर्टिफाई हो सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब्स। सो ये आप देख सकते हैं, पूरी जर्नी बताई गई है कि कैसे आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसको लेने के बाद आपको जो लेवल ऑफ जॉब्स मिलेंगी वो नेक्स्ट लेवल होंगी, बिकॉज आपके पास एक ऐसा सर्टिफिकेट आ जाएगा जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा वैल्यू है मार्केट के अंदर। सो ये आप देख सकते हैं कि बेनिफिट्स में यही लिखा हुआ है कि एक बहुत अच्छा टेस्ट आपके लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको नेक्स्ट लेवल जॉब मिल सके। सो ये इनकी सारी डिटेल्स दी गई है, बाकी नीचे FAQ सेक्शन दिया गया है, इन केस अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप FAQ सेक्शन इनका चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे TCS NPT के बारे में बताया गया है, कितने कितने दिनों के बाद, तो जैसे मैंने बोला 2 to 4 वीक्स के बाद रिपीट होगा। एप्लीकेशन ये 10-15 दिन पहले क्लोज कर देते हैं, और कैसे अप्लाई करना है उसका अब मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगी। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे ऊपर जाइए, हम चलते हैं पहले एप्लीकेशन गाइडलाइंस की तरफ। तो ये जो नीचे लिया गया है ऑप्शन, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो पूरी एप्लीकेशन की गाइडलाइन दी गई है। इसमें आपको ये भी बताया गया है कि कैसे आपने अप्लाई करना है। सो आप जैसे ही इसके लिए रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद आपको TCSIM की तरफ से NPT सर्टिफिकेट भी मिलेगा, साथ में स्कोर कार्ड भी मिलेगा जिसमें ये बताया होगा कि आपने कितने स्कोर अचीव किया है। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे पूरा अप्लाई का प्रोसेस भी बताया गया है कि कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इन केस अगर आपको लगता है कि आपको से अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो आप एप्लीकेशन गाइडलाइन पे चले जाइए। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर एक का स्क्रीनशॉट लगा के आपको ऑप्शन वाइज बताया गया है कि यहाँ यहाँ पे जाना है आपको, और उसके बाद आपने अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन गाइडलाइंस में हर एक चीज़ दी गई है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे जाएंगे, एक सैम्पल टेस्ट का भी ऑप्शन दिख रहा होगा। तो ये सैम्पल टेस्ट मैंने भी देखा था, थोड़ा आइडिया लेने के लिए कि किस तरह का एग्ज़ाम यहाँ पे सेट किया गया है। तो जैसे ही मैंने इसके लिए अप्लाई किया, इसमें आपको सिर्फ एक अटेम्प्ट मिलेगा, और यहाँ पे 47 मिनट्स में टोटल 2 आपके स्पीकिंग टेस्ट थे और 2 राइटिंग टेस्ट थे जो कि मैंने क्लियर किए हैं। और यहाँ पे अटेम्प्ट के जैसे आप अटेम्प्ट दे देंगे, उसके बाद इवैल्यूएशन होगी, आपको मार्क्स भी मिलेंगे और आपका रिजल्ट के फॉर्म में आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। तो ये भी आप देख सकते हैं, एक तरह से सैम्पल सर्टिफिकेशन भी इनकी तरफ से बनाई गई है जो कि बहुत अच्छी है। तो इनकेस अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, मैं अभी थोड़ा सा क्लिप यहाँ पे ऐड कर दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह का यहाँ पे सैम्पल टेस्ट रखा गया है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। सो ये है इसकी एप्लीकेशन गाइडलाइंस। उसके बाद अब बात करते हैं हम कि अप्लाई कैसे करना है। सो अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको बोला जाएगा अकाउंट क्रिएट कर लो।
वो अकाउंट जो भी आपके पास ऑलरेडी होगा TCSIM के प्लेटफॉर्म पे, उसके साथ ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ अपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से खुल कर आने वाला है, जिसमें आपसे सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स पूछी जा रही है, एजुकेशनल डिटेल्स पूछी जा रही है, एग्जामिनेशन डिटेल्स पूछी जा रही है, कौन सा एग्जाम सेंटर आप चूज़ करना चाहते हैं, एग्जाम डेट कौन सी चूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल दो ऑप्शंस अवेलेबल है, 6 नवंबर के लिए और 21 दिसंबर के लिए, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑलवेज इन सेंटर ही रहेगा, स्टेट की आप प्रेफरेंसेस दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो इनके सेंटर्स हैं वो मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आप लास्ट में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, फिर आप पहुंच जाएंगे इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे। इस तरह से एक एक करके आपने अप्लाई कर देना है। कोई भी डाउट रहता है तो आपने एप्लीकेशन गाइडलाइंस पे जाना है, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई गई हैं। सो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया है किस तरह से अप्लाई करना है। अगर इन केस फिर भी कोई डाउट रह जाता है, आपको लगता है कि कुछ ऐसी है चीज़ें जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, या आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।